हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एससी रेलवे और यूपी पीसीएस प्री 2018 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कोलकाता और बांग्लादेश के खुलना के बीच 9 नवंबर 2017 से चलाई गई पूर्णतः वातानुकूलित रेलगाड़ी, इस रेलगाड़ी का नाम क्या है? इस रेलगाड़ी का नाम है बंधन एक्सप्रेस। सेकंड क्वेश्चन, वह बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समूह जिसका सदस्य भारत 8 दिसंबर 2017 को बना और वो समूह है वासेनार संधि, वासेनार अरेंजमेंट, WA। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा वायु प्रदूषण से मृत लोगों की स्मृति में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्मॉग दिवस इंटरनेशनल स्मॉग डे कब मनाया गया? और ये मनाया गया 5 दिसंबर 2017 को। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्मॉग दिवस था तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये मनाया गया था 5 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले सोलर एक्सप्रेसवे की शुरुआत 29 दिसंबर 2017 को कहाँ पर हुई? और ये हुई है चीन, चाइना में, जिसकी राजधानी है बीजिंग और इनके प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। तो ये विश्व का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हुई है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2017 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? और ये घोषित किया गया यूथ क्वेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को दिसंबर 2017 में पोलियो मुक्त घोषित किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो ये देश था मध्य अफ्रीकी देश गैबन और इसकी राजधानी है लिब्रेविल। क्वेश्चन नंबर 7, अक्टूबर 2017 में हांगकांग वेस्ट कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा निर्मित वह पहला मानव जैसा रोबोट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करती है, और इसका आंसर होगा सोफिया। बहुत न्यूज़ में था तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मानव जैसे रोबोट सोफिया को अपने देश की नागरिकता प्रदान कर किस रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला किसी रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना? पिछले क्वेश्चन में सोफिया की बात की गई थी और वो देश है सऊदी अरब और उस रोबोट का नाम है सोफिया। क्वेश्चन नंबर 9, 6 से 17 नवंबर 2017 के बीच जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों का 23वां सम्मेलन कहाँ किया गया? COP23 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित किया गया बॉन, जो कि है जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता छोड़ने वाला दुनिया का पहला देश बना और वो देश बना है बुरुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े कृत्रिम सूर्य को नाम दिया गया, विश्व के सबसे बड़े कृत्रिम सूर्य को नाम दिया गया है, ये है सिनलाइट। एक क्वेश्चन ये हो सकता है और ये भी हो सकता है कि किस देश द्वारा निर्मित किया गया है सबसे बड़े कृत्रिम सोलर को, सूर्य को, तो वो है जर्मनी द्वारा और उसका नाम है सिनलाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपने यहाँ समान वेतन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना, इसका आंसर होगा आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय रेल सुरंग, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर टनल, देश की पहली अंतर्जलीय रेल सुरंग का निर्माण पश्चिमी बंगाल में बहने वाली किस नदी के नीचे किया गया, नीचे किया जा रहा है, इसका आंसर है हुगली नदी, और ये देश की पहली अंतर्जलीय रेल सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड के क्राकोव में 9 जुलाई 2017 को हुई यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 41वीं बैठक में भारत के किस पहले शहर को विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, और ये आंसर है अहमदाबाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया वह आंदोलन जिसकी 75वीं वर्षगांठ 9 अगस्त 2017 को में मनाई जा रही है, वो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा किस पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया, और ये प्रदान किया गया है प्रकाश पादुकोण जी को। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में जारी विश्व पर्यटन अर्थव्यवस्था रिपोर्ट में भारत का स्थान है, भारत का स्थान है 7th। क्वेश्चन नंबर 18, सिगरेट की खुदरा बिक्री पर किस राज्य सरकार ने मार्च 2018 में रोक लगा दी, और ये है स्टेट बिहार, इसकी राजधानी है पटना। क्वेश्चन नंबर 19, संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया 16 मई को, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मई में ही होता है, वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये है 3 मई को, और विश्व प्रकाश दिवस मनाया गया 16 मई को। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, वह लेखिका जिन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2018 प्रदान किया गया, और ये हैं पोलैंड की ओल्गा टुकरजुक को, और ये इनकी फ्लाइट्स के लिए इनको मिला है, इनकी बुक का नाम है फ्लाइट्स, इसके लिए इनको मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।